लुक हु इज द विनर समर्पण उड़ा दे। अरे भाई भले ही हम जीते नहीं बट यार जेन्युइनली हमने लोगों का दिल जीता। 15 लाख में से कितना दोगे मुझे? वो बोलेंगे छांटा दूंगा छांटा। 80 पहुंच गए गाइस 80। मेगा तेरा रिएक्शन बता कैसा था? मेरा आंसू निकल गया, मेरा ऐसा आंसू निकलता नहीं है। एंड ये वाला जो ब्लॉग है मैं डाल रहा हूँ अभी बिकॉज हमारा टेलीकास्ट हो चुका है, तो इसकी वजह से मैंने डाला कि दैट विनर कौन है। पिछले वाले ब्लॉग में शूट वाले ब्लॉग में मैंने बताया नहीं विनर कौन है, बट ये वाले ब्लॉग में बता रहा हूँ दैट विनर इज कौन है। हम गाइस सेकंड आए, फर्स्ट समर्पण है, लेकिन बहुत है मतलब लुक हु इज द विनर समर्पण। अबे नीचे रख, थोड़ा नीचे रख, थोड़ा नीचे रख बस। कांग्रेचुलेशंस, अब जो 5 लाख आपको मिले उसमें से पार्टी मिलेगी। समर्पण के पापा हाउ यू फीलिंग? बहुत ही अच्छा लग रहा है बेटा, जीत गया, खुश लग रहा है। चलो अच्छा लगा। 15 लाख में से कितना दोगे मुझे? वो बोलेंगे छांटा दूंगा छांटा। अच्छा नहीं, बहुत प्यार दूंगा, पूरा प्यार। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। यस, अभी समर्पण अपना भाई है यार, जीत गया। प्यार से ये प्यार मिला, बेसिकली ट्रॉफी जो है वो घर पे ही आ गई है ना। समर्पण मेरा भाई है, घर पे ही आ गई ट्रॉफी। यस, बहुत अच्छा लगा, क्रेजी। भले ही हम जीते नहीं बट यार जेन्युइनली हमने लोगों का दिल जीता। एंड मतलब यार फाइनलिस्ट मतलब विनर और बगल में हम खड़े थे, मतलब समझ रहे हो, वो आप लोग का सपोर्ट है। भले नहीं जीते बट यहाँ तक पहुँच गए, बहुत बड़ी बात है ना आंटी। यस, ये छोटी सी भी है, इधर आ जाओ। हम जीत गए, टॉप सेकंड में पहुंच गए, फाइनल में पहुंच गए। देखो विनर बन गया तो एटीट्यूड दिखा रहा है तेरी, तो एटीट्यूड दिखा चस माला आजा। मेरी माता श्री, विनर नहीं बन पाए बट कोई नहीं, सेकंड मतलब फर्स्ट रनर अप आए, वो विनर था समर्पण, हम फर्स्ट रनर अप आए। सेकंड आ गए सर, खुशू मैं भी खुशू। अरे यार भाई मानना पड़ेगा, टीचर और स्टूडेंट, टीचर नहीं जीता तो स्टूडेंट रोने लग गए भाई। भाई लोग रोना नहीं है। What's up guys, welcome back to the channel and in another vlog. So ये vlog की जो शुरुआत है हो रही है हमारे घर से, जो कि अभी बज रहे हैं 3। आराम से उठाऊं क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे को बोला दैट इतना क्या लंबा सो रहा है। मैंने बोला कि ऑब्वियसली भाई इतने महीने यानी कि 3 महीने से मैं IBT कर रहा था, उससे मैंने मेरा मतलब ऐसा रिहर्सल के चक्कर में मैंने नींद भी कम्प्लीट नहीं की, तो मैंने बोला इतना तो हक बनता है कि मैं अपना नींद तो मम्मी कम्प्लीट करूँ, है ना। पर कल रात को ये 8 बजे सोया ना सर? कल रात को मैं 8 बजे सोया हूँ। मैं बंदा वैसा हूँ कि जो 12 बजे के पहले तो सोएगा ही, बट कल तो 8:30-9 बजे तक तो मैं सो गया था भाई। और उठा कितने बजे? 2 बजे। 2 बजे तो वही सीन है ना, समझ जाओ ना। फिर तो मेरी मम्मी को यही बोला कि मतलब आप रोक भी नहीं सकते, मुझे उठा भी नहीं सकते, बिकॉज आपको पता है 3 महीने से मेरी नींद भी कम्प्लीट नहीं हुई थी, तो उसके चक्कर में मैंने नींद भी कम्प्लीट कर ही ली थी भाई। लुक हु इज हियर, उफ मास्क, मास्क नीचे करो। ओ हो ये सुंदर सा चेहरा, लाखों लड़के पागल है मम्मी, लाखों लड़के पागल। मेगा और मैं जाएंगे, मास्क तो नीचे करें, यही है स्टार, तो इसके लिए पीछे पागल तो है। ऐसे बकवास क्यों कर रहा है? अच्छा बकवास नहीं कर रहा, मैं ये बोला था मेगा और मेरा प्लान था कि दैट अभी जाते हम H&M एंड वहां पर जाके मेगा शॉपिंग करेगी, है ना मेगा? मैं कराऊंगा। ओए है बस, शूज तो दिलाया नहीं इसने मेरे को, तो शूज आज दिला देंगे जी, है कि नहीं? अरे उस टाइम मैं जेन्युइनली फ्री नहीं था शो के चक्कर में, अभी आज फ्री हूँ, मैं भूल भी गया था ऑब्वियसली। बर्थडे गिफ्ट मेगा का बाकी है गाइस, तो वो मैं मेगा को गिफ्ट दूंगा आज। बाइक भी गंदी हो रखी है भाई, साफ कराना पड़ेगा इसको। एक तो बारिश के मौसम पे ना गाड़ी साफ ना कराओ तो ही बेटर है। मेगा भी पहली बार बैठ रही है हमारे साथ, पहली बार इन द सेंस मतलब ये बाइक में, वही जैसा लग रहा है मेगा ना डर रही है पता नहीं क्यों। मैं हल्का सा रेस कर रहा हूँ और ज्यादा रेस भी नहीं कर रहा, इसका हाथ इतना टाइट हो गया ना, डर तो नहीं लग रहा? लग रहा है रे, धीरे चलो, धीरे धीरे चलाऊंगा भाई। जब से IBD किया तब से तो भाई मेरी डेली व्लॉगिंग की तो वाट लग गई थी, जैसी
आखिरी हुआ, उसके बाद डेली व्लॉगिंग किया, उसके बाद आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया ना, कसम से मैं तो कंफ्यूज था कि मतलब यार अगर मैं डेली व्लॉगिंग वापस करूँ लोग वैसा ही प्यार देंगे कि नहीं वापस। बट आप लोगों ने तो यार, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग वो एक्सपेक्टेशन को कैसे रियलिटी में लाना है वो कर देते हो यार, थैंक यू सो मच। और बाकी वोट्स वगैरह जिन्होंने भी दिए ना यार, थैंक यू, बोल नहीं पाया आप लोग को बिकॉज जेनरली मैं बिजी था फिनाले के कारण। जिन्होंने भी मेरे को वोट्स वगैरह दिए, अंजलि को वोट्स वगैरह दिए ना, कसम से यार लोगों का प्यार, लोगों का सपोर्ट और मेरे लोग इज लाइक क्रेजी। क्या आवाज़ निकली अभी डरी नहीं, जब हल्का सा रेस किया 60 तक पहुंचाया तब उसके बाद वो डरी नहीं। आकाश आराम से चला, बहन को नहीं डराते, बदतमीजी नहीं करनी। यही सेम अगर 12 साल का आकाश होता तो वो पक्का करता, बहन अगर रो भी दे रही है तो भी करता, क्योंकि पता है ना कि बहन को चिढ़ाने में मजा आता है। बहनों को चिढ़ाना नहीं, बहनों को कैसे खुशियाँ दिलानी है वो सीखना है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात बोल दी भाई आकाश, क्या डीप बात बोल दी। अस्सी पहुंच गए गाइस, 80। सॉरी, आंसू निकल गए भाई। अभी जस्ट 2 मिनट पहले लाइन मारी थी कि बहनों को कैसे खुशियां दिलानी है, बस सुधर तो सकता ही नहीं आकाश का भी, आंसू दिला दिए बस। मेगा का रिएक्शन जानते हैं, मेगा तेरा रिएक्शन बता कैसा था? मेरा आंसू निकल गया, मेरा ऐसा आंसू निकलता नहीं है भाई, निकलता नहीं। और मम्मी को मत बताइयो, मम्मी मैं आपको बता देता हूँ, दैट 80 सिर्फ इसके लिए चलाया था कि मतलब इसका रिएक्शन मिले करके, वरना तो धीरे ही चलाता हूँ। तो ऐसा मत बोल, मेरा रिएक्शन ऐसा मत दे, सब बोलेंगे कि अरे कैसा है, तेज चलाता है। नहीं, वैसा तेज नहीं चलाता हूँ गाइस, मुझे पता है कि कहाँ चलाना है और कहाँ नहीं चलाना है, और जहाँ पर चलाना है वहाँ पर लिमिट के हिसाब से फिर वापस कम कर देता हूँ फिर धीरे धीरे, ताकि मेगा को डर ना लगे। बट मेगा को तभी भी डर लगा। बट फाइनली पहुँच चुके हैं यहाँ पर, अभी देखते। बहन को शॉपिंग कराने आया था, खुद शॉपिंग करके बैठ गया। मेगा भी कर रही है, मेगा को टाइम लगेगा अभी, मेरे को यहाँ से जाना है रिहर्सल पे। मेगा स्टिल अभी भी शॉपिंग कर रही है, मेरे को जाना है रिहर्सल पे, और वो रिहर्सल किस चीज़ का है वो भी आप लोग को जल्दी ही पता चलेगा। और डैम आप लोग को पक्का प्राउड होगा, जो मैंने अभी शो कंप्लीट किया है उसके लिए ही, मतलब मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ दैट मैं नेक्स्ट शो करने वाला हूँ, और वो कौन सा करने वाला वो नहीं बता सकता, वो रिवील होने के टाइम पे ही, जब रिवील करूँगा तब आपको खुद पता चल जाएगा। सो अभी निकलते डायरेक्ट रिहर्सल के लिए। ये रही हमारी लियो, जो कि एकदम ही चमक रही है, नीचे से नहीं चमक रही बिकॉज बारिश के कारण पूरा गंदा हो गया भाई, फुल देखो। तो मेरा जो रिहर्सल था वो थोड़ा ऐसा क्या ना डिले हो गया है, तो मैं उसके लिए जा नहीं रहा हूँ अभी, कुछ टाइम बाद जाऊँगा। और रिहर्सल जो जहाँ पर मेरे को रिहर्सल करना है यहाँ से सिर्फ 3 मिनट दूर है, तो मैंने मेगा को बोला कि मैं वापस आ रहा हूँ। तो हम यहाँ पर स्टारबक्स पे रुके हुए हैं। मेगा कैसा फील हो रहा है कि भाई ने बोला कि शॉपिंग करवाएगा और खुद इतना कर, खुद लेके भाग गया। ऐसा भागा तो कहीं नहीं, वापस आ गया मैं। तीन चांस में से सिर्फ 2 बार जाना चाहिए। अबे टच, एक चांस है। 5000 शॉपिंग, यू विल गेट डिस्काउंट ऑफ 500 रुपीज़। अरे 500 के लिए खेला मैं। एक और मेगा फिर 1000 रुपए का ऑफ हो जाएगा हमारे पास। शॉपिंग तो 5000 का करना पड़ेगा तभी मिलेगा। अगर 5000 की शॉपिंग की तो 500 रुपए उड़ा दे। अरे भाई खुश हो गया। अरे ले भाई, अरे भाई मेघा मेरे से भी खतरनाक निकली, क्या बात है। पर मुझे इतना तो भरोसा है तेरे पे कि 5000 की शॉपिंग एक ना एक दिन तो करेगी पक्का, आज ही कर लिया इतना ज्यादा। दोनों भाई बहन ने मिला के 15000 की तो शॉपिंग कर ही ली। दुबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो माय ब्रो, ऑल द वे फ्रॉम दुबई फाइनली आ चुके हैं। भाई का इतना ज्यादा प्यार, ये देखो बैग भाई ने जस्ट रखा और एकदम से आ गए भाई, क्या बात है। मिस किया कि नहीं भाई? किया भाई, मैं तो मैं मजे ही नहीं किए वहाँ पे, मजे ही नहीं किए, पढ़ा रहा मैं। पहली बार दोस्त ने बोला कि मैं दुबई गया और मैंने मजे नहीं किए, इतना अच्छा फील हुआ ना कि भाई मेरे बिना जाएगा तो होएगा ही ऐसा। बेकार था भाई, बेकार था। बट मुझे पता है ना वहाँ की कोई लड़की पसंद आ गई गाइस इन्हें, वो अभी इनसे बात कर रहे हैं धड़ाधड़, तो अभी शादी गाइस पक्की है। एक लड़की नहीं, 4-5। ओहो, वहाँ की दुबई की भी गिन रहे हो? दुबई की भी गिन रहा हूँ। तो भाई अब तो फिर दिराम में बात होगी, दिराम में बात होगी भाई, छोटी मोटी बात नहीं करनी। अब तो मतलब गाइस ऐसा सीन है कि दैट मैं दुबई जाऊंगा तो घर का टेंशन नहीं है ना, होटल का कुछ भी, घर वहाँ जाके बस भाभी के घर रुकना है। भाभियों के ओ माय गॉड, मतलब 3 दिन के लिए जाएंगे, 3 दिन मतलब अलग अलग। नाइस, जुबान काट लो थोड़ा टाइम निकाल के, एटलीस्ट जल क्यों रहा, एटलीस्ट भगवान से तो नहीं मम्मी से तो डरो कि भाई मम्मी ना देख ले। इस बंदे का ऐसा है कि भाई ये इसको एक मिल जाए बहुत बड़ी बात है। बढ़िया भाभियों,
कभी सीन ऐसा है कुछ नहीं पता, बस खांसी हो गई भाई। इतना क्या किस कर लिया भाई जो खांसी भाई, भाई वहाँ पहुँच के टेम्परेचर इतना ही, मुझे जुकाम बुखार सब हो गया भाई। ये बंदे वो कहाँ किसी मिरर में देख के खुद को किस करते रहते मजाक कर रहा हूँ। तो प्लान आई डोंट नो क्या है, जैसे पता चला दैट लैंड हो गए, भाई ने फोन किया, मैंने फोन किया, तो बस फिर मिल लिए, घूम फिर के आ गए भाई घर। सो ये वाला व्लॉग जो इतना ही रखते हैं, होप करते हो कि आपको ये व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो आपको पता क्या करने का, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बताने की तो जरूरत है ही नहीं। जिन्होंने नहीं किया उनको बोल रहा हूँ प्लीज़ कर दो गाइस, अगर आप लोग नए हो तो। बस और क्या बोलना है, बस जाके सोऊंगा, नहीं ये व्लॉग भी एडिट करना है, तो व्लॉग एडिट करके फिर उसके बाद सोऊंगा। एंड 4 बज गए भाई, चलो बाय बाय।